विकसित राज्य माने जाने वाले हमारे गोवा राज्य को आजादी मिलकर आज 50 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारे कानकोन तालुका के ये नड़के गांव में अभी तक वन विभाग के विरोध के कारण बिजली नहीं पहुंची है। लोगों ने बिजली के लिए बहुत बार मांग की, लेकिन यहां के वन विभाग ने जंगल के रास्ते से बिजली लेने के लिए विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। तभी सरकार ने इन लोगों को बिजली के लिए लाखों रुपये खर्च करके गाँव के नज़दीकी सौर ऊर्जा का प्रकल्प बिठाया, लेकिन ये प्रकल्प सिर्फ 3 महीने तक चला और अब पूरा बेकार हो गया है। मैं देवीदास गांवकर और ये भी मेरे आदिवासी समुदाय के है। मैं सगे आते हमको ये बेजार झालो जीवास हमको ये किती आडकोन उरले ये वाढला फॉरेस्ट लागून ते म्हणे दिना म्हणून सांगून आडकोन उरले म्हणून ते आणि मग त्या लाईट या वदन किती प्रॉब्लेम आता ऐको पाहिजे ना रेडिओ किती बातमी भी ऐकतले ऐको पाहिजे ना। या गावात कितली घर असा आणि कितले लोक असा? हिंगा 105 बारीक मोठी पॉप्युलेशन आणि आणि तुझे अशी घर आहा तुगे 20 घर आतले आणि सध्या आता लाईट ना म्हणता पण ते म्हणजे केन्ना असा लाईट ना कसे किती किती प्रॉब्लेम जाता ते मला सांगता। लाईटीक म्हणजे असे लाईट असे पावस जरी बंद पडता सारखी पेटना पण समजा एक बरोबर पेटता बंद पडता आणि पावस सामकेच मोड झाले ना पेटच ना पण टाइम आमकं सामकं बेजार म्हणजे लाईट आता चिमणे उजाड आम बेजारले सामके कारण की भाऊ उजाड पळतकच आम त्रास दिसता। मागीर किती उपाय किती करता तुम्ही? चिमणे आले लाखडो बिजली के बिना क्या क्या तकलीफें होती है ये मैं जान सकता हूँ और बिजली के बिना जीना कितना मुश्किल है ये भी मैं जान सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसी गांव में भी बिजली आना चाहिए, इसीलिए मैं ये कहानी पूरे दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूँ। मैं देवीदास गांवकर, इंडिया अनर्ड के लिए, कानकोना गोवा से।